हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमीन का योग्यता क्या होता है, अमीन का प्रशिक्षण लेने के बाद आप कौन कौन सा विभाग में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अमीन का प्रशिक्षण कहां से करेंगे, यानी अमीन का कोर्स आप कहां से करेंगे, और चौथा और इम्पोर्टेंट, इसका सैलरी कितना है। तो इस चारों का चारों पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा डॉट, जितना भी आपको अंदर से डॉट है, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता, अमीन के प्रशिक्षण के लिए योग्यता जो है सो नॉन मैट्रिक, यानी नॉन मैट्रिक बोले तो आठवीं पास, कोई भी व्यक्ति अमीन के प्रशिक्षण लेके एक सफल अमीन बन सकते हैं। और नॉन मैट्रिक से हायर एजुकेशन कुछ भी हो, जैसे जो कम से कम उनको आठवीं यानी आठवीं पास होना अति आवश्यक है अमीन बनना चाहते हैं। तो आप आठवीं पास हैं तो अमीन बन सकते हैं, या आठवीं से आगे भी पढ़े हैं, चाहे आप मैट्रिक पास किए हैं, इंटर किए हैं, बीए किए हैं या पीएचडी किए हैं, यानी आप ग्रेजुएट भी हैं या पीजी भी किए हैं तो कर सकते हैं। यानी कम से कम, लेकिन कम से कम आपको आठवीं पास होना अति आवश्यक है। यानी नॉन मैट्रिक से, अगर आप नॉन मैट्रिक कर चुके हैं यानी आठवीं पास कर चुके हैं, तो नॉन मैट्रिक से लेके हायर एजुकेशन वो कितना भी किए हैं, वो अमीन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि अमीन के प्रशिक्षण के बाद आप कौन कौन सा विभाग में जॉब कर सकते हैं, अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला, अंचल अमीन के रूप में आप अंचल यानी ब्लॉक में आसानी से एक सफल अमीन बन सकते हैं। अगर आप अमीन का प्रशिक्षण ले लेते हैं तो अंचल अमीन के रूप में अंचल अमीन के पद पे आप पदधारण आप कर सकते हैं और सफल अमीन, सरकारी अमीन बन सकते हैं। आप ये हो गया एक डिपार्ट ब्लॉक में, अंचल में। दूसरा, रेलवे विभाग में भी आप अमीन के रूप में काम कर सकते हैं, सर्वेयर अमीन के रूप में। और अब बात करते हैं, पहला पॉइंट हो गया कि योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता नॉन मैट्रिक से हायर जो भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको कौन कौन सा विभाग होता है, रेलवे, ब्लॉक और अदर कई भागों में होता है, ठीक है। और तीसरा है कि प्रशिक्षण कहाँ से आप प्राप्त करें। सैलरी के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें, प्रशिक्षण आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वैलिड सर्टिफिकेट दे, तो जहाँ वहाँ वो हर जगह से आप कर सकते हैं जहाँ पे आप वैलिड सर्टिफिकेट दे, जैसे 45 दिन का, 6 महीना का, 1 साल का, 2 साल का, जितना दिन का आपको जो है वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे, यानी डिप्लोमा टाइप दे, तो आप वैलिड हो तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ऐसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन से अभी करते हैं, तो खिलाफ 45 दिन का चल रहा है। 45 दिन का आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग आसानी से मिल जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो वैलिड रहेगा। तो ये हो गया, इतना तक कंप्लीट है। आप लोगों को नहीं, अगर आपको कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़िएगा। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि अमीन का सैलरी कितना होता है। तो अमीन का सैलरी देखिए, अगर कोई आप गवर्नमेंट विभाग में यानी अंचल अमीन या रेलवे में या कोई डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं सरकारी में, तो आपका सैलरी एक फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? सैलरी एक फिक्स रहेगा। तो फिक्स सैलरी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? फिक्स सैलरी। लेकिन अगर आप प्राइवेट अमीन बनते हैं तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड यानी बहुत पैसा, क्योंकि एक अमीन जो है अगर नापी करते हैं, दूर दूर तक उसका नाम है या प्रसिद्ध अमीन है, उनको छुट्टी ही नहीं रहता है, वो इतना रहता है, इतना उसको बुकिंग किया रहता है कि वो कर नहीं सकता। लेकिन ऐसे आप नॉर्मल अमीन भी हैं, अमीन का प्रशिक्षण ले चुके हैं, तो आप आसानी से प्राइवेट अमीन के रूप में काम कर सकते हैं। और उसमें अगर मान के चलिए एक दिन में सिर्फ दो
दो बुकिंग को आप कवर करते हैं, यानी दो जगह जाके नापी करते हैं, यानी कम से कम 1500 रुपया होता है, तो फिर भी 3000 रुपया महीना का, अगर 3000 रुपये रोज से जोड़े तो 90000 रुपया, यानी और तीन ही दो ही काय करेंगे, तीन भी हो सकता है, ठीक है, तो कभी एक भी हो सकता है, कभी चार भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे, आप पे कितना आदमी विश्वास करता है और आप अपने टाइम को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इस सब पे। तो आप 1,00,000 से प्लस भी अमीन का प्रशिक्षण लेके सफल अमीन बन के कमा सकते हैं। अगर मेरा अगर हमसे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अगर मेरे संस्थान से प्रशिक्षण के साथ साथ ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं सब एक साथ और सफल अमीन बनना चाहते हैं, तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, जो इस नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ये 45 दिन का है, कितना फ़ी है, क्या है, कम से कम फ़ी, यानी बोले तो कम से कम फ़ी जो छोटा सा बच्चा को जो है आप नॉर्मल टीचर के पास पढ़ाते हैं, सिर्फ बच्चा का दो मंथ का जो है सो ट्यूशन फ़ी है। आप समझ सकते हैं मेरा फ़ी कितना कम है। तो उस लिए आप अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है और आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 8406979706, फिर से 8406979706, यानी मेरे 8406979706 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन यानी इंक्वायरी कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि ये आपको मेरा बैच न्यू स्टार्ट होता रहता है, तो न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको यहाँ पे बुला के वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल बोलिएगा कैसे कराएंगे, तो वीडियो के थ्रू आपको लाइव दिखलाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ से जहाँ पे आपको हम प्रशिक्षण के लिए मतलब प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे वहाँ आपको आना होगा और कुछ दिन तक आप अमीन के साथ काम करेंगे और फील्ड का भी नॉलेज आप लेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।